अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सामने जो ड्रेस देख रहे हैं, तो ये जी मैं विंटर कलेक्शन आज आपके लिए लेकर आई हूँ जो मेरे पास मौजूद है इस टाइम। तो ये आप ड्रेस जो देख रहे हैं, ये मैंने आगा नूर से बाई किया था। और ये देखें इसकी स्लीव्स पर कितनी खूबसूरत जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई है, और काफ़ी नीट जो है वो इसका काम हुआ हुआ सारा। तो ये देखें, और फ्रंट पे इसके जो है वो छोटे छोटे उन्होंने बटन्स के साथ इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है साथ में। तो ये भी आप देख सकते हैं। और नीचे से फ्लेयर बिल्कुल सिंपल है, और ये शॉल है इसके साथ। ये भी मैंने वहीं से बाय की थी सेपरेटली। और इसके साथ आप टाइट्स पहन सकते हैं, या फिर ट्राउज़र पहन सकते हैं, कैप्री पहन सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। तो उसके अलावा जो है ये काफ़ी वॉर्म भी है और कोजी सा ड्रेस है, तो इन विंटर्स काफ़ी अच्छा रहता है। और ये जी नेक्स्ट ड्रेस है मेरे पास, ये ब्लू कलर का, और ये थोड़ा सा फैंसी में आ जाता है क्योंकि इसके ऊपर तिले और एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हुआ है। ये आप देख सकते हैं पैचेस भी लगे हुए हैं इसके ऊपर। एक पैच इसके बैंड पे लगा हुआ है, स्लीव पे भी लगा हुआ है डोरी पाइपिंग, और सेंटर में इसको जो है वो मैंने ओपन शर्ट बनवाई थी, इसको मैंने खुद स्टिच करवाया था। और ये इसके साथ ब्लू ही ट्राउज़र है, ब्लू ही नेट का दुपट्टा है, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप किसी पार्टी वेयर या फिर कोई ढोलकी का फंक्शन हो, या कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, या फिर नई शादी है आपकी और उसके बाद आप तैयार होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा रहता है ड्रेस पहना हुआ, बहुत एलिगेंट लगता है। और ये देखें इसकी स्लीव्स पर भी काम हुआ हुआ है इसी तरह एम्ब्रॉयडरी का। बैक इसकी सिंपल है, ट्राउज़र भी सिंपल है, और दुपट्टे पे भी मगजी लगी हुई है। ये एक मैंने ड्रेस लिया था, फ्रॉक बना हुआ है ये। ये थोड़ा सा आपको पश्तून लुक देता है ये वाला फ्रॉक, तो बड़ा अच्छा सा ये भी पहना हुआ लगता है। और इसके ऊपर जो है वो स्टोन्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, और साथ में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ब्लैक इसकी जो है वो बेस है, और ऊपर जो है वो एक तरह की इन्होंने कोटी टाइप बनाया हुआ है इसको, जो कि बड़ा प्यारा लगा था मुझे इसका ये स्टाइल। और स्लीव्स इसकी प्लेन है, और पीछे इसका बेल्ट दी हुई है उन्होंने कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो साइज़ के मुताबिक एडजस्टमेंट कर लें इसकी। और ये देख सकते हैं आप एम्ब्रॉयडरी इसकी किस कदर प्यारी लग रही है यहाँ पर। और सूती धागे से इसकी जो है वो उन्होंने कढ़ाई की हुई है, हैंडमेड जो है वो इसका काफ़ी हद तक काम लगता है, लेकिन वैसे मशीनी काम है इस पर। तो ये भी देखने में बहुत प्यारा लगता है, और पहना हुआ भी बहुत कंफर्टेबल रहता है आपके लिए। और ये जी वन ऑफ माय फेवरेट ड्रेस है यहाँ पर, वेलवेट का। ये बहुत वॉर्म है, आप इन विंटर्स जो है वो इसको ईज़िली वियर कर सकते हैं। और ये मैंने ख़ुद स्टिच करवाया था ये भी, और ये इसके मैंने बाजू पर जो है ये वाली लेस लगवाई थी, और बाकी प्लेन है ले बाजू इसके। और फ्रॉक जो है वो उसकी बेस प्लेन है, और ऊपर जो है वो छोटे छोटे जो डिज़ाइन है देख सकते हैं आप। और नीचे इसका ट्राउज़र भी प्लेन वेलवेट का है, और ये भी मैंने फ़्रॉक बनवाया था इसका, क्योंकि इस तरह में फ़्रॉक बड़े पहने हुए अच्छे लगते हैं विंटर्स में। और ये इसकी शॉल आप देख सकते हैं, जिस पे थोड़े से बड़े फ्लावर्स जो हैं वो बने हुए हैं, और जैसा डिज़ाइन शर्ट पर आप देख रहे हैं वैसा ही छोटा छोटा शॉल पर भी हुआ हुआ है। तो ये भी पहना हुआ बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लगता है। ये जी नेक्स्ट ड्रेस है जो कि मुझे गिफ्ट मिला था, ये खाड़ी का ड्रेस है, और ये इसकी भी थोड़ी सी अल्ट्रेशन जो है वो मैंने करवानी है, लेकिन मैंने सोचा कि भी आपको दिखा दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका ट्राउज़र है लाइनिंग वाला, और ये खद्दर का ड्रेस है, और बाजू इसके इस पर भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और आगे जैसा ट्राउज़र में लाइनिंग है वैसे ही बाजू के सामने उन्होंने लाइनिंग दी हुई है। और इसकी बाकी आप ये डिज़ाइन इसका पैटर्न देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। और ये इसकी डोरी है क्यूट सी, और बैक इसकी बैक पे भी थोड़ा सा प्रिंट है, और नीचे से प्लेन है, ये भी आप देख सकते हैं। ये शर्ट कुर्ता टाइप ये इस तरह का बना हुआ है। तो ये जी मैंने आपको प्रॉपर अपनी कलेक्शन दिखाई है, उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आई होगी, और कोई ना कोई आइडिया जो है वो अपने विंटर में ड्रेसिंग के लिए आपको मिला होगा। तो ऐसे ही आइडियाज़ देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।